और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, पंजाब से गुरदासपुर में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में चेयरमैन गिल को रिहा करने की मांग की गई है। विरोध में पंजाब के सभी शिक्षण संस्थान बंद का ऐलान किया गया है और कहा गया कि न्याय नहीं हुआ तो भविष्य में निजी संस्थान सड़कों पर उतरेंगे। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब के आह्वान पर पंजाब की सभी संस्थाएं 11 अप्रैल को रोष स्वरूप बंद रहेंगी। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी और गुरदासपुर के जिला प्रतिनिधि डॉक्टर मोहित महाजन ने कहा कि पिछले दिनों गुरदासपुर के एक स्कूल के 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की घटना सामने आई। स्कूल के कैमरों के रिकॉर्डिंग के मुताबिक बच्ची ठीक ठाक अपनी कक्षा में जाती है। पूरे दिन के बाद बच्ची की माँ उसे खुद स्कूल से घर पर लेकर गई। बाजार जाने के बाद बच्ची घर गई और एक वीडियो के मुताबिक बच्ची शाम को मोहल्ले में सही घूमती नजर आती है। बच्ची के साथ इस घटना की पंजाब के सभी संगठनों ने निंदा की और साथ ही साथ बिना किसी तथ्यों से निर्दोष मैनेजमेंट पर मामला दर्ज करने और गिरफ्तार करने की भी निंदा की गई। पुलिस ने अभी तक कोई मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसके चलते गुरदासपुर की सभी संस्थाएं एक दिन के लिए बंद की गई थी और अब जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, 11 अप्रैल को पूरे पंजाब के स्कूल और कॉलेज बंद रखे जाएंगे। संगठन ने फैसला लिया है कि अगर बच्ची को जल्द इंसाफ नहीं मिला और निर्दोष मैनेजमेंट को रिहा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में सभी संस्थाएं सड़कों पर होंगी। बैठक के दौरान संस्थानों ने मुख्यमंत्री पंजाब से इंसाफ की मांग करते हुए उन्हें पत्र भी लिखा है। तो विरोध में पंजाब के सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि भविष्य में भी निजी संस्थान सड़कों पर उतर सकते हैं। तो पंजाब में स्कूल कॉलेज 11 अप्रैल को एक दिन के लिए बंद रखे जाएंगे और इस बाबत जगजीत सिंह धूरी ने तमाम ये जानकारी दी है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ पंजाब के आह्वान पर पंजाब की सभी संस्थाएं 11 अप्रैल को रोष स्वरूप बंद रहेंगी। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज GOT मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम OTT इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।